अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और ये है आपका अपना चैनल आसिफ ब्रेन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 बिजनेस मैथमेटिक्स, 1429 कोड, 1405 कोड, बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 और उसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि अ पेट स्टोर हैज़, हमारे पास एक पेट स्टोर है, पालतू जानवरों की के लिए एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे हम पालतू जानवरों को रखते हैं, ठीक है। उसमें 6 किटन्स हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, 8 पैरट्स हैं एंड 12 पपीज़ हैं। पपीज़ मतलब कुत्ते के बच्चे, ठीक है। तो वो पाले हुए उन्होंने, ये हमारे पास पेट स्टोर में तीनों मौजूद हैं, 6 किटन्स हैं, 8 पैरट्स हैं और 12 पपीज़ हैं, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच किटन, अब ये बिल्ली के बच्चे हैं ना, इन हर एक बच्चे की जो प्राइस है वो $28 है। किटन की, ईच किटन की प्राइस कितनी है? $28 है। ईच पैरट की जो प्राइस इज़ प्राइस $30, पैरट की जो प्राइस है वो $30 है। एंड ईच पपी इज़ $40, पपी की जो वैल्यू है वो है $40, ठीक है। यूज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने यूज़ करनी है, ठीक है, टू फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द पेट स्टोर्स इन्वेंट्री। टोटल वैल्यू हमने निकालनी है इन सब की, कि इन सब की टोटल वैल्यू क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास पेट स्टोर भी है और प्राइस भी है, दो चीज़ें हैं ना। तो लेट्स सपोज मैं पेट स्टोर को पी से और प्राइस को सी से शो करता हूँ, ठीक है। तो अब आपको पता ही है जो पेट स्टोर है, पेट स्टोर में तीन चीज़ें हैं, तीन तरह के जानवर हैं, 6, 8 और 12। 6 किटन्स हैं, 8 पैरट्स हैं और 12 पपीज़ हैं। 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 ये मैंने लिख लिए, ये हमारे पास पेट स्टोर है। उसके बाद हमें ये लिखना है प्राइस, इसकी सी से मुराद क्या है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये 28, 30 और 40 ये मैंने इस तरह क्यों नहीं लिखा, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसके आपने काउंट करने होते हैं कॉलम। कितने कॉलम हैं? तीन कॉलम हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको यूं लिखूं, 28, 30 और 40, तो यहाँ पे देखें रो कितनी है, एक ही रो है। यहाँ पे कॉलम तीन है, रो एक बन रही है, जबकि मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये कहता है कि जितने कॉलम हो उतने ही रोज होने चाहिए। तो यहाँ पे तीन कॉलम है, तो यहाँ पे रोज कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए ना, तो वो मैंने यहाँ पे बना दिए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से वर्टिकली लिखा है, ठीक है, वर्टिकली ऐसे लिखा है मैंने, क्लियर है। चले, अब इसके बाद टोटल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, पी और सी को मल्टीप्लाई कर देना है। पी और सी को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही यूज़ करनी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पी मैट्रिक्स हमारे पास 6, 8 और 12 है। उसके बाद सी मैट्रिक्स हमारे पास वो भी गिवन है, 28, 30 एंड 40। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 12, 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 28 प्लस 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 12 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लो जी, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ज़रब 8 48, 6 ज़रब 2 12, 12 और 4 16, ठीक है, प्लस 8 ज़ीरो ज़ीरो 8 ज़रब 3 24, 240 हो गया। 28 को 6 ज़रब करेंगे, 168, ठीक है। उसके बाद 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240, और 12 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ज़ीरो ज़ीरो 12 ज़रब 4 48, 480। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 008, ये हमारे पास आ जाएगा 8, 8 4 12, 12 और 6 18, 1 4 और 1 5, 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 888, ठीक है। हमारे पास इनकी टोटल वैल्यू क्या आई है, $888। द वैल्यू ऑफ दी वैल्यू या टोटल प्राइस, दी टोटल
प्राइस ऑफ पेट, ठीक है, ऑफ पेट स्टोर इज $888। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।